बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 622 वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। आज इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद जुबैर हैं। इससे पहले भी मैंने एक असाइनमेंट अपलोड की है 622 की, वो दूसरे सेक्शन इंचार्ज की थी। सो स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इन चार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ पोटेंशियल फंक्शन एफ। हमने एक पोटेंशियल फंक्शन एफ निकालना है जबकि एफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू दिया है 2xy³ एंड 3x² y² प्लस कॉस वाई। तो ये भी उसने बोल दिया कि फोर्स एफ जो वो कंजर्वेटिव है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ये चेक किया कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए चेक कर लिया कि ये कंजर्वेटिव तो है। ठीक है, कंजर्वेटिव है। अच्छा, अब जब ये कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू डेल फाई। एफ इज इक्वल टू डेल फाई। ठीक है, अब डेल फाई आपको पता है क्या होता है? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एफ, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू एफ। तो ये जो पहला है इसको हम एमलेट कर लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और दूसरा जो है इसको हम n लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम m का पार्शियल निकाले, फाई निकालेंगे, यानी पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू एफ में से हम पहले पार्शियल को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद देखिएगा आपका 2xy, x के लिहाज से कर रहे हैं चूंकि पार्शियल ओवर पार्शियल x निकालना, तो x के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x² y³ प्लस साइन y आपका, सॉरी ये यहाँ पर x² y³ प्लस जी वाई प्लस जी वाई, या c1 भी कर सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन मैंने जी वाई कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे n के वेरिएबल का, तो इसकी इंटीग्रेशन y के लिहाज से करेंगे। ये आपका डी एक्स एक्स के लिहाज से था और ये y के लिहाज से था फंक्शन का। ठीक है, तो y के लिहाज से करेंगे तो x आपको पता है 3x² जो है वो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, वाई स्क्र का करेंगे तो y³/3 आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, x² y³ प्लस cos y का sin y आ जाएगा प्लस hx, जहाँ यहाँ पर जो कांस्टेंट एड हमने किया वो hx किया है, ऊपर में हमने जी वाई किया था। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इनकी दोनों की पहली टर्म सेम है, x² y³ x² y³, तो जी वाई की जगह साइन वाई आ रहा है। ठीक है, जी वाई की जगह क्या आ रहा है? साइन वाई आ रहा है, यानी अगर आप इन दोनों को इक्वल रख लें तो इक्वल रखने से आप देखें साइन वाई इज इक्वल टू जी वाई आ रहा है, तो जी वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एच एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम जी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका cos y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जी वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एच एक्स है ना, तो अगेन इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा? cos y आ जाएगा। सही है, तो जी वाई इज इक्वल टू फिर आपका, क्योंकि ये डेरिवेटिव इसके है तो इसकी अगेन हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो जी वाई फिर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x। समझ आ रही इस चीज़ की? यानी साइन x को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos y प्लस इज, सॉरी, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन वाई प्लस सी वन। सो सिंपली अब हम जो कीमत है उस सारे की क्या रख सकते हैं? साइन वाई प्लस सी वन रख सकते हैं। ठीक है जी, सो ये x² y³ प्लस साइन वाई प्लस सी वन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो द पोटेंशियल स्केलर इज इक्वल टू फिर आ जाएगा x² प्लस y³ प्लस साइन वाई प्लस सी वन सिंपली। ठीक है जी, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त करेक्ट सॉल्यूशन मिल सके। सेकंड क्वेश्चन है जी, बॉडी ऑफ मास 0.5, ये पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से मैंने सॉल्यूशन में डाटा जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया हुआ है, डाटा यहाँ पर लिख लिया हुआ है। मास एम जो है वो 0.5 kg है, स्प्रिंग कांस्टेंट के 5 न्यूटन पर मीटर है, फोर्स -2x है, डिस्टेंस मीन पोजीशन से
वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि मीटर में 0.1 मीटर बनेगा। अच्छा, फाइंड जो चीज़ हमें करनी है वो हम देखते हैं कि फाइंड हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बेसिकली उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू टी प्लस वी, ठीक है, E इक्वल टू टी प्लस वी, यहाँ पर मैं लास्ट में यहाँ पर E इक्वल टू टी प्लस वी, क्लियर हो गया। जो कि V है पोटेंशियल एनर्जी है और T हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसी फार्मूले को लेके हमने T भी निकालना है और V भी निकालना है, ठीक है। तो V का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और T का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये याद रखिएगा। ओके चलो देखते हैं जी। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट x एट x 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस। अब हमें ये पता है कि f इज इक्वल टू एम ए होता है, f इज इक्वल टू एम ए, तो ये f की जगह हम एम ए लगा देंगे और f बराबर माइनस के एक्स भी होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये एम ए ए एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि है माइनस 2x, ये आपकी फोर्स आ रही है, ठीक है ना। एफ इक्वल टू एम ए है ना, तो एफ की जगह ये लग गया और एम एज इट एज आ गया आपका। अब इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से इन दोनों को एक और रखा, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये एक नया फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। तो एम लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर की लैम्डा की कीमत निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 ओवर एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन आपकी अगर आपको याद हो तो आर इज इक्वल टू होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, उसी को लेके हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आर है बेसिकली, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स आर इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा वाई प्लस वाई, उसी को लेके ये हमने बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल कंडीशन देखेंगे। ए हमारा जो है वो 0.1 है, मीटर में है, ठीक है। तो बी ये अगर हम रखते हैं तो बी हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 tan 2 m/t सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये जब हम दोनों कीमतें यहाँ पर रखते हैं तो फाइंड टी एंड एक्स एट 10 सेंटीमीटर पे हम फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स इंटू आर टेन 0.10, यानी ये उनको उधर जाके डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इज इक्वल टू 0.1, ये आपको पता है ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसमें जो फार्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका वी है सारे का सारा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स है सारे का सारा। ए इज इक्वल टू 0.2, बी इज इक्वल टू ये पुट करेंगे तो ये सारी चीजें यहां पर आप पुट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू एज इट एज भी रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी इज इक्वल टू टी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी प्लस वी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू रखने से आपका आंसर निकल आएगा। सो मैं इसको यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टे कर रहा हूँ ताकि आपने अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक अच्छा गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, एक अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा हूँ व्यू स्कॉलरशिप के नाम से, ठीक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।